और फिर दूसरी वही आई सूरह मुदस्सिर, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर, के नबूत की जिम्मेदारी उठाने वाले उठो और जिम्मेदारी लेकर डराओ लोगों को, जिसमें वो लगे हुए हैं, जिस चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, गाफिल आखिरत से, तो उनसे उनको डराओ। तो इंसानियत सिसक रही है, बर्बाद हो रही है, तो अनजान से खबरदार कर दो। वह रब का फकत भी, और अपने रब की बड़ाई बयान करो। अब बड़ाई बयान करना मतलब ये नहीं कि बस मस्जिद के कोने में बैठ गए और अल्लाह अकबर अकबर सुभान अल्लाह अल्लाह बड़ाए अल्लाह बड़ाए, ये बड़ाई बयान करना नहीं। बड़ाई बयान करना अल्लाह की ये है कि उसके बारे में लोगों से तस्कीरा करो, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी शान, उसकी किबरियाई लोगों के सामने जा जा कर पेश करो, इसको बोलते बड़ाई का। खाली बैठ के नहीं कि तस्वीर लेकर बैठ गए, और अब इलेक्ट्रॉनिक आ गई तो वो किट 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 करते रहे, अब तो मोबाइल के ऐप भी आ गए, उंगली मारते रहो काउंटिंग होती जाए, तो वो नहीं है। यह है कि उसकी बड़ाई बयान, उसकी जो है अजमत बयान करो लोगों के सामने, वो बयान करो तो ये बड़ाई करो। तो ऐसा करोगे तो फिर अमल से जाहिर हो, करो भी और अमल से जाहिर हो कि हम सब उसके मानने वाले हैं जो पालने वाला है, हम भी लोगों को पालते हैं, वो देने वाला है हम भी लोगों को देते हैं, वो मदद करने वाला है हम भी लोगों की मदद करते हैं, वो बेसहारों का सहारा बना है हम भी बेसहारों के सहारा बनते हैं, वो नबी जिनको भेजा गया था यतीमों का सहारा बनने के लिए हम भी यतीमों का सहारा बनते हैं, अमल से जाहिर होना चाहिए, तो फिर ये कामयाब। नहीं तो फिर खाली कहते रहे कि ऐसा है, तो फिर वो तो फिर ऐसी वो तो दुनिया में बहुत जनों ने लिखी अच्छी बातें लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई कभी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम ने, सहाबा ने, हमारे असलाफ ने उसको इम्प्लीमेंट करके बताया है, तो वो चीज़ इसमें होनी चाहिए। तो फिर बात है वो सियाब का फाताहिर, वो सबको पाक करो जो गंदगी में पड़े हैं लोग, उनको पाक करो, लोगों को जो शिरक की बीमारी है जिसके अंदर वो हैं तो उससे उनको निकालो, और लोगों को बिना बदले के दो, इन पर एहसान एहसान करो, लेकिन उससे बदला ना चाहो। किसी को कुछ दिया लिया, कुछ अच्छी बात बताई तो उसका बदला ना चाहो। बदला किससे चाहो? अल्लाह से, तो वो देगा बदला। लोगों से बदला ना चाहो और अपने रब की राह में सब्र करो, क्योंकि अब जब ये सारी चीज़ें तुम पहुंचा दोगे लोगों के पास में ये सब, अब तुम्हारे पास में फिर तकलीफें भी आएंगी, आजमाइश आएंगी, तो फिर क्या करो? सब्र करो। सब्र कौन सा? कुरान वाला सब्र, उर्दू वाला नहीं। उर्दू वाला तो सब्र यानी कि फिर बैठ जाओ, दावत दे दी, अब लोग मार वो आने गए ऊपर चढ़ गए तो घर में बैठ जाओ, दुबक के अब नहीं देनी दावत, वो नहीं। कुरान वाला सब्र, कुरान वाला सब्र कि लगातार कोशिश में जब चलते चले जाना, इस्तेकामत हासिल करना, फिर जम जाना, फिर फेल हुआ फिर कोशिश करना, उसको बोलते सब्र, कुरान का सब्र है। तो फिर उसमें लगातार तुम लगे रहो, कोशिश करते रहो। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लम को पहला प्रोग्राम अल्लाह ने दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो पहला किताब उनसे था, अब ये हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहा है कुरान उनसे किताब, तो उसको भी ये सारे काम करने जो दिया। अब तो सबसे पहले तो कि पहले तो इल्म हासिल करो, और ये इल्म हम तक पहुँचा है, दीन का इल्म पूरे का पूरा पहुँचा है, असल आपने पहुँचा है उसको मेहनत कर कर, और ये कैद होने से ही पहुँचा है, लिख कर पहुँचाया, अगर लिखा हुआ नहीं होता तो हम तक नहीं पहुँचता, क्योंकि जुबान के अंदर तो हमेशा से गड़बड़ होती आई, जो भी ओरल जितने भी धर्म थे दुनिया के अंदर सब में बिगाड़ हो गया, जो लिख के पहुँचा वो इस्लाम पहुँचा, और ये लिख के पहुँचा तो ये महफूज है, और लिखने से ही इंसान तरक्की करता है, नहीं तो हर आदमी अगर लिख रहे और कलम नहीं इजाद होती और आदमी लिखने वाला नहीं होता तो हम बहुत सारी चीज़ों से आज महरूम रहते, हो सकता है कि हम अभी तक बैलगाड़ी में चलते रहते, हवाई जहाज भी नहीं आते हमारे, क्योंकि हमारे इल्म हमारे पास में, जिस आदमी ने बैलगाड़ी ईजाद की बैलगाड़ी तक का इल्म लिख के चला गया, अब दूसरा आया तो वहाँ से शुरू कर रहा है तो उसने कार बना ली, तीसरा आया तो कार से शुरू कर रहा है तो उसने ट्रेन बना दी, क्योंकि ट्रेन तक का इल्म लिखा हुआ था, अब ट्रेन के वहाँ से शुरू करा तो पानी का जहाज बना दिया, वहाँ से उड़ने का जहाज बना दिया, अगर लिखना नहीं होता तो वो बैलगाड़ी की बैलगाड़ी ले जाते, उससे आगे नहीं बढ़ते। तो ये तरक्की करने की चीज़ है, इसीलिए हमको अल्लाह ने शुरू में ही फरमा दिया, पहली आयत दी थी कि लिखो, इल्म हासिल करो, पढ़ो अपने रब के नाम से, कलम से जिसने तुमको पढ़ना सिखाया, तो इल्म हासिल करें, रब की बड़ाई और अजबत और महानता ये सब तभी बयान कर सकते हो जब आपके पास में इल्म हो, और वैसा करो कि सबको मालूम हो जाए वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया।